किसके ऊपर शक है आपको? सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, नहीं था वहाँ, उसने उस रूम को भी अंदर नहीं आने दिया। ओके ओके, उनको थोड़ा दो मिनट, फिर उसके बाद भागा। उसके बाद मेरे साथ तीन चार लोग और थे, तो दे ऑल्सो ट्राई टू पुश हिम असाइड। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 News। और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुआ, बात करूंगी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद को लेकर। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उमर खालिद पर हमला किया गया जब वो चाय पीने के लिए बाहर जा रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला किया गया। किसने हमला किया अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि तस्वीर आई एक शख्स को लेकर जिस पर शक जताया जा रहा है। अब इस पर सियासी कोहराम मच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जब सुरक्षा वहां में सुरक्षा व्यवस्था 15 अगस्त से ठीक दो दिन पहले उमर खालिद पर हमला होना क्या दर्शाता है? क्या वाकई हमला हुआ था या हमला प्री प्लान था? अभी इसको लेकर कशमकश का दौर चल रहा है। बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रोपेगंडा करार दिया है, तो वही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया। साथ ही उमर खालिद के समर्थन में उतरकर उन्होंने जमकर घेरा है पार्टियों को कि आखिर ऐसा कब तक हो सकता है। बताती हूँ आपको आखिर क्या कहा है महबूबा ने ट्वीट के जरिए। महबूबा ने कहा है कि मीडिया पर उमर खालिद को राष्ट्र विरोधी के तौर पर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि उमर खालिद पर नफरत फैलाने वालों की ओर से स्वतंत्रता दिवस के दो दिन पहले किया गया हमला हमारे लोकतंत्र का मजाक है। मामले में मीडिया की उन्होंने भूमिका को नकारात्मक करार देते हुए कहा है और कहा है कि उमर को राष्ट्र विरोधी के तौर पर पेश करते हुए लोगों में सार्वजनिक उन्माद फैलाने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में सहमति और असहमति पूरी तरह सही है, लेकिन किसी को चुप कराना और आवाज को बंद करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है, वो भी इसलिए कि उसके विचार किसी से मेल नहीं खाते हैं। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अब फिर से सियासी पारा गरमाना शुरू हो गया है। उमर खालिद पर कल हमला हुआ है और वहां पर बकायदा वो मीडिया के सामने बैठे हुए थे। उनके एक साथी ने मीडिया को बकायदा बताया कि आखिर क्या कुछ हुआ और उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मीडिया से ये बातें साझा की हैं। साथ ही उमर खालिद को आप देखें किस तरह से वो हमले का शिकार हुए, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं कोई शिकन नजर नहीं आ रही, ना ही कोई डर नजर आ रहा। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उमर खालिद की उस दौरान की क्या स्थिति थी, साथ ही उनके साथी ने क्या कुछ बताया है मीडिया को, सुनिए आप भी जरा। उमर नीचे गिर गया तो उसके साइड से गोली निकल के गई है और जैसे हम लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े हैं तो लड़का यहाँ तक आया है, उसने दोबारा फायरिंग करी है हमारे ऊपर और वो उसके भागते में उसके हाथ से बंदूक छूट गई। उमर खालिद के साथ थे, मैं था और हमारे कुछ साथी थे साथ में और सबके साथ जो है वो किसी को भी लग सकती है, पता नहीं पुलिस पर वो भागने वाले जो लड़का वहाँ है एक ही लड़का था वो, और जब यहाँ पीछे उसका कौन वेट कर रहा था क्या वो हम जानते नहीं, यहाँ से इस गाड़ी के पीछे थे वो वहाँ गायब हो गया पार्किंग। सुना आपने किस तरह से यहाँ पर उनके साथी ने बताया है कि हमला किस तरह उमर खालिद पर किया गया। साथ ही आपने उमर खालिद को नोटिस किया होगा जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। उमर खालिद उन पर किस तरह से हमला किया गया, ये हमला जिस दौरान हुआ था उस दौरान बताया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग जैसे मामले पर कई लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें कई पत्रकार भी थे, कई जाने माने सांसद थे जो इस बातचीत के दौरान शामिल होने वाले थे, उसमें उमर खालिद का नाम भी शामिल था। लेकिन उमर खालिद पर हमला होना अपने आप में कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले एक सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। सोचिए अब ये अभी तफ्तीश की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि क्या वाकई हमला हुआ है या हमला करवाया गया है। मीनाक्षी लेखी का जिक्र अभी मैंने शुरुआत में किया था, मीनाक्षी लेखी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि सरासर प्रोपेगंडा है, क्योंकि उनका भी उसी दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम चल रहा था और उसी दौरान ये हमला हुआ है। आपने पूरी फुटेज देखी किस तरह से वहाँ पर देखी, किस तरह से तितर बितर सारी चीज़ें नजर आ रही, मीडिया पूरी तरह से फोकस बना के रखी हुई है उमर खालिद पर। लेकिन उमर खालिद देखिए उनके चेहरे की स्थिति, उनका चेहरे का जो भाव भाव है उससे कहीं भी आपको डर और खौफ नजर नहीं आ रहा होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उमर खालिद कहीं ना कहीं कुछ दिनों से जो थे चर्चाओं में नहीं थे, लेकिन इसके बाद से उमर खालिद चर्चाओं में आ गए हैं। आप देखिए अखबारों के फ्रंट पेज पर उमर खालिद को लेकर सबसे बड़ी खबर पब्लिश हुई है कि उनके ऊपर हमला किया गया। इसके साथ ही मैं उमर खालिद के बारे में एक और बात का जिक्र कर दूं कि कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उमर खालिद और शहला राशिद को टिकट भी दिया जा सकता है, दोनों चुनाव भी लड़ सकते हैं। शहला राशिद ने भी इस पूरे मामले की, इस घटना की निंदा की है, उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय कृत्य है और साथ ही पिस्टल वहां पर छोड़कर भाग गया है
और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे थे और जैसे ही वहाँ पे दूसरे लोगों को जो कि उमर खालिद के साथ थे उनको शक हुआ उन लोगों पर, तो वो लोग वहाँ पर तुरंत ही 9:00-2:11 हो गए, उसके बाद उनका अता पता नहीं लगा, लेकिन हाँ वहाँ पर गोलियाँ चली और फिर वो पिस्टल छोड़कर भाग गए। अगर पिस्टल छोड़कर भाग गए तो फिर उन्होंने गोली उनकी उनका निशाना कैसे चूक सकता था? क्या वाकई वहाँ पर एक सिर्फ एक मैच क्रिएट करने के लिए आए थे, वहाँ पर कोई उपद्रव क्रिएट करने के लिए आए थे, या फिर इसके पीछे उमर खालिद को चर्चाओं में लाना था? ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि अब इसके कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पर बीजेपी का भी एक प्रोग्राम हो रहा था, सोचिए वो सांसद है वहाँ पर मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में सिक्योरिटी पे तो हम उंगली खड़ी नहीं कर सकते हैं। मैं दिल्ली पुलिस की यहाँ पर का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एक VIP एरिया में इस तरह से मामला सामने आना अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा किस तरह है, और कल हमारा देश आज़ादी का जश्न मनाएगा, तो ऐसे में उमर खालिद पर हमला होना अपने आप में बयां कर रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, या फिर जानबूझकर चूक कराई गई है, या फिर ये जो मामला सामने आया है ये पहले से प्री प्लान था। मीनाक्षी लेखी कह रही हैं प्रोपेगंडा है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि जो वहां से फरार हुआ था उसकी तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या वाकई ऐसा कुछ था, ऐसे प्री प्लान था पूरा मामला, या फिर उमर खालिद को मारने की कोशिश की गई है। उमर खालिद को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही मारने की कोशिश क्यों की गई? क्योंकि वो मॉब लिंचिंग पे वहाँ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे या मॉब लिंचिंग पे वो बोलने वाले थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कहीं ना कहीं अभी बातें निकलकर सामने आएंगी पूरी जांच के दौरान। लेकिन फिलहाल उमर खालिद चर्चाओं में तो आ गए हैं। एक कन्हैया कुमार का जिक्र करूंगी, जब उन्होंने वहाँ पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे उस वक्त उमर खालिद सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आए थे, और अब जाके उमर खालिद और ज़्यादा चर्चाओं में आए हैं। कुछ तो वजह है, कुछ तो बात है, कुछ तो पर्दा है जिसके पीछे कुछ तो सच्चाई छुपी हुई है। इसी सच्चाई को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे जब आएगी कोई बड़ी अपडेट। नमस्कार।